हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, इट्स गेमिंग गिग्स है। तो हम आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो लेके, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे करना है आप लोगों को एनर्जी रिफिल्स और रिवाइव ग्राइंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मतलब जो भी गेम्स में है, एक तरीका मैं आप लोगों को ऐसा बताऊँगा जो आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा कि कैसे वहाँ से फ्री में मतलब बिना खेले ना बिना कुछ ग्राइंड किए आप लोगों को वहाँ से रिवाइव या एनर्जी रिफिल मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी 5.3.6 में हूँ और यहाँ पे मैंने एनर्जी रिफिल देखिए, मेरे पास ऑलरेडी 9 ग्राइंड करके मैंने रख लिया हूँ और ये 10वीं अभी मैं यहाँ पे ग्राइंड करूँगा। तो मतलब मेरी जो एक एनर्जी रिफिल रहती है जो अपने को मतलब एक दिन में मेरे ख्याल से 3 बार आपकी एनर्जी रिफिल जो आपको मिल सकती है अगर आप खेलोगे प्रॉपर। मेरी अभी दूसरी एनर्जी रिफिल है तो अब शायद तीसरी तो नहीं मिलेगी, 2 आप आराम से ले सकते हो। तो अब 2 एनर्जी रिफिल मिलेगी आपको। तो आप एक काम करा कि 5.3.6 एक बार ग्राइंड कर लो, एक एनर्जी रिफिल आपको ऐसे मिल जाएगी। और आप लोग अगर फिर एक जो है एक्स्ट्रा आप लोगों को दिन में 2 एनर्जी रिफिल मिलती है फ्री, जो मतलब गेम वाला एनर्जी रिफिल होती है, तो आप लोग उसमें एक में आप एनर्जी रिफिल ग्राइंड कर लो और एक में आप लोग रिवाइव ग्राइंड कर लो। तो इससे आपका ना मतलब दिन में एक रिवाइव वहाँ से मिलेगी, तो 30 रिवाइव आपकी मंथली ऐसी ही हो जाएगी। मतलब 30 रिवाइव आप एक महीने में आप आराम से ग्राइंड कर लोगे एक बार ऑटो प्ले करके, आपको खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को एनर्जी रिफिल के लिए खेलना पड़ेगा क्योंकि जो 5.3.6 का जो क्वेस्ट है वो थोड़ा सा टफ है, मेरे ख्याल से ऑटो प्ले में हो नहीं पाएगा। तो फिर अब चलते हैं यहाँ पे सोलो इवेंट में आ जाते हैं हम। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लेवल अप में आपको ये सब तो सारे यूट्यूबर बताएंगे, लेकिन जो अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, जो चीज़ जो मेथड है वो आप लोगों को कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ज़्यादा यूट्यूबर नहीं बताते, वो मेथड भी कुछ कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं लेकिन सारे यूट्यूबर नहीं बताएंगे। तो मैं अभी आप लोग को वाला मेथड भी बताऊँगा। अगर आप लोग ये खरीद लेते हैं, सोना सिजिल खरीद लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से भी अच्छा खासा यूनिट का जो है फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों को अच्छी खासी यूनिट मिल जाएगी, तो आप लोग उससे आप रिवाइव खरीद सकते हो या फिर आप लोगों को मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा उसमें, मतलब इतना कुछ उसमें रिवाइव तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लोग लेवल अप इवेंट में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से मतलब कितने दिन का कितने घंटे का एक दिन का ये इवेंट रहता शायद ना, तो यहाँ से आपको देखो रिवाइव मिल जाएगी। अभी मैंने एक भी ग्राइंड नहीं किया हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद 7 या 10 घंटे का इवेंट रहता है। तो अगर आप डेली मतलब 2-3 रिवाइव इससे भी निकाल सकते हो दिन में, 2 रिवाइव तो चलो मान के चलो निकल जाएगी, या फिर एक रिवाइव तो मान के चलो निकल जाएगी, तो 60 रिवाइव आपकी ऐसे हो जा रही है। 30 रिवाइव आप लोग ले सकते हो, चलो मान के चलो अगर आप लोग ने सारे इवेंट में लेवल अप हटा दो, 20 डेज बचे तभी भी, अगर आप लोग 20 डेज तक सोलो इवेंट भी कंप्लीट करोगे तो यूनिट और 20 रिवाइव यहाँ से 50 रिवाइव तो ऐसे ही ग्राइंड हो जा रही है आप लोगों की, मतलब बिना कुछ करे बस खेलना है, वो भी ऑटो प्ले कर दो। ऑटो प्ले ही करते करते आप लोगों की रिवाइव कब आप लोग के पास आ जाएगी आप लोग को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे से आप ये बात हो गई जो भी मतलब गेम वाले बताते हैं, मतलब सारे यूट्यूबर जो बताते हैं वो सब बातें हो गई। अब चलते हैं जो मेरा मेथड है। तो यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे आप लोग आके मार्वल इनसाइडर सर्च कर लेना। यहाँ पे जैसे कि ऐसा होम पेज आएगा, तो यहाँ पे से आप सारे पॉइंट जो है वो कलेक्ट कर लेना। अभी मेरे पास टोटल 2800 पॉइंट है, मतलब 2200 पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मतलब पॉइंट्स रिडीम कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में आप लोग आके देख सकते हैं। यहाँ पे तो आपको बहुत सारी रिवाइव या फिर एनर्जी रिफिल मिल सकती है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा भी टाइम दोगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, मतलब इस गेम से भी ज़्यादा गेम में ग्राइंड करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। चले सीधा रिवॉर्ड्स पाए थे, अगर आप लोगों को एक्टिविटीज़ की मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले रिवॉर्ड्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल है, फिर यहाँ पे आप लोग को गेम्स पे आ जाना है, फिर गेम्स के आने के बाद ये देखिए कॉन्टेस्ट चैंपियन का बंडल है यहाँ पे, कॉन्टेस्ट चैंपियन के, और यहाँ पे 4-5 बंडल है जो कॉन्टेस्ट चैंपियन के, बाकी दूसरे गेम्स के। तो सबसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन ये सब इतने अच्छे रिवॉर्ड नहीं है, किसी एक में आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3-स्टार आयरन मैन भी मिल रहा है नया वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी आइसेट, 5, 10, 20, 30 आइसेट मिल रही है आपको टीयर 5 की हर तरीके की, और ग्रैंड मास्टर फ्लेक्सिंग क्रिस्टल भी मिलेगी आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्विक सिल्वर वाला बंडल। अब यहाँ पे देखिए एक प्रीमियम और एक 3-स्टार, एक 2-स्टार और 500 शार्ड मिलेगी, 4-स्टार और 5 एनर्जी रिफिल भी मिल रही छोटी वाली। अब लेकिन यहाँ पे देखिए जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड होता है। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 एनर्जी रिफिल मिल रही है, 5 अनकलेक्टेड शार्ड क्रिस्टल्स मिल रही हैं, और 500 5-स्टार क्रिस्टल शार्ड मिल रही है,
और एक 4-star हीरो क्रिस्टल और एक गेटकीपर क्रिस्टल मिल रही है और एक 3-star गैलन भी मिल रहा है। तो ये वाला रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। एक मतलब मंथली आप एक बंडल ऐसा ले पाओगे, ये सोच के अगर बैठोगे आपके मैं ये वाला भी ले लेता, सारे अगर लेने बैठोगे तो सब नहीं कर पाओगे। रिलोड कर लेता हूँ, शायद ग्लिच हो गया पेज। अगर आप सब पॉइंट्स मतलब सारे रिवॉर्ड्स लेना चाहोगे तो मुश्किल है थोड़ा, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा वो चीज़। आप किसी एक बंडल को ले पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हर बंडल में अलग रिवॉर्ड है। यहाँ पे देखिए आपको 3 एनर्जी रिफिल्स और मिल रही हैं, मतलब 6 एनर्जी रिफिल्स आपको यहाँ से मिल रही है और एक अल्टीमेट क्रिस्टल भी है और 4-star शार्ड भी है, 3-star शार्ड भी है। लेकिन आप लोगों को ये दो बंडल में 6 एनर्जी रिफिल मिल रही है। बस थोड़ा सा आपको एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगी तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर गेम्स की एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको हो सकता है कि नॉर्मल मोड या फिर हीरोइक मोड भी कंप्लीट करना पड़े। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम गेम्स पे आ गए। तो अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड कॉन्टेस्ट चैंपियन का यहाँ पे 1,00,000 पॉइंट मिल रहा था जो मैंने ले लिया हूँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि ये 20,000 पॉइंट मिल रहा, सॉरी यहाँ पे 20,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा। मैंने अपना नाम एंटर कर दिया है, देखिए रे द लीडर, यहाँ पे मैंने अपना नाम एंटर करके सबमिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखा था कि जो यही साल गेम शुरू किया मतलब यही महीने में 9वें महीने में उन लोगों को ये पॉइंट मिलेगा खाली। तो आप वापस डाउनलोड करके कोई न्यू आईडी बना लेना, हो सकता है आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल इवेंट है 35,000 पॉइंट्स का, यहाँ पे आप अपना नाम डालो और नॉर्मल इवेंट कंप्लीट कर लो तो आपको यहाँ पे 35,000 पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पे 55,000 पॉइंट्स। आप हो सकता था डाउनलोड कर लो ये पजल, डाउनलोड करके नाम डाल के आप लोग को सिर्फ पॉइंट मिल जाएंगे, उसके बाद भले डिलीट कर दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये 3 बहुत बड़े हैं, तो एक बार अगर ये तीनों कर लेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा इतना कुछ, 1,20,000 पॉइंट हो जाएंगे। तो आपको कुछ इतना ज़रूरत नहीं है टाइम पास करने की, ये तीन बड़े वाले कंप्लीट कर लो, ये फिर इसके बाद हट जाएगा देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चले जाएगा, फिर हर मंथ मतलब रिवॉर्ड चेंज होते रहते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था, होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।